चाहिए बल्कि उसका डट के सामना करना चाहिए। हाँ बेटा आप कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आपको पता है आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? आज हमारे स्कूल में ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस को लेकर सेमिनार हुआ था और मुझे तो आज ही पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर में कोई कैंसर होता है। माँ कभी आपको ऐसा कुछ लगा है? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, क्या बात है तुम्हें काम है? ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस को लेकर हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर? गीता तुम्हें पता भी है ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? ये ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? तुमने कभी अपना सेल्फ एग्जामिनेशन किया है? सेल्फ एग्जामिनेशन? सेल्फ एग्जामिनेशन? अरे अगर आप कभी भी अपने अंडरआर्म या अपने ब्रेस्ट में कोई भी काटने महसूस करते हैं तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। हर औरत को अपने पीरियड खत्म हुए भी 2 दिन बाद हर महीने अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए। समझी? स्कूल्स और कॉलेजेस में जागरूकता फैलाई जाती है, हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा हुआ आप जल्द आ गए हैं, इसकी जांच हो सकती है। हम कुछ टेस्ट करवाएंगे, उनमें से एक मैमोग्राफी टेस्ट है। इस टेस्ट से पता चलेगा कि आपकी गांठ कैंसर है भी या नहीं। ठीक है। आपकी रिपोर्ट आ गए, जैसा हमने लगा रहा था आपको कैंसर है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका फर्स्ट स्टेज कैंसर है जिसका इलाज हो सकता है। अगर आप रेगुलरली इलाज करवाएं तो आप ठीक हो सकती हैं। ठीक है डॉक्टर। समय पे जांच कराएं और अपनी जान बचाएं। समय पे जांच कराएं और अपनी जान बचाएं। क्या आपको पता है भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर दूसरा सबसे घातक कैंसर होता है? अगर आप अपनी जल्दी जांच कराएंगे तो आपके ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने की चांस 80% तक बढ़ जाती है। समय पे जांच कराएं और अपनी जान बचाएं। धन्यवाद।